नमस्ते दोस्तों, उषा विलेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग ढेर सारा कमेंट कर रहे थे कि आप कैसे वेट लॉस किए हो, उषा जी आप बता दीजिए थे। तो दोस्तों आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी क्या क्या मुझे हानि हुई है, क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या रेसिपी में खा दी, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बना के भी दिखा दूंगी जिससे आप लोगों को आसानी हो। और चलिए आप लोग लास्ट तक रखते रहिएगा, पहले तैयारी कर लेते हैं सब्जी की थोड़ा सा। तो सावित्री विलेज कुकिंग दोस्तों कमेंट किया हुआ है, दीदी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू दीदी, आपको पसंद आता है तो आप लोग ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। तो दोस्तों एक सलाद की मैंने अपने लिए सब्जी बनाती थी, तो मुझे उससे खाने पर भूख जल्दी नहीं लगती थी और बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे ताकत भी महसूस होता था। तो वही सोचो दोस्तों आपको भी जो जो मैंने खाया हुआ है वही आप लोग बताएंगे। तो देखिए मैंने कटर लिया हुआ था अपने लिए सब्जी काटने के लिए, तो उसी में हम काट काट के सब पहले इकट्ठा करते हैं। जितना छोटा आप लोग काटे रहेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा लगेगा आप लोगों को खाने में और फायदा भी करेगा, बड़ा नहीं खाना है। तो अब हम खीरा को काटेंगे, तो खीरा का दोस्तों छिलका जो है उतार कर तभी हम काटते थे, जैसे आप लोगों का मन एकदम अच्छा रहे, हमारा भी मन अच्छा रहता है जब इसे छिलके उतार देते हैं। तो खीरे को दोस्तों हम कटर नहीं काटते थे, छोटे छोटे काट लेते थे क्योंकि उसमें काटेंगे थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है, इसलिए ऐसे काट देते हैं। तो सभी सब्जियां दोस्तों हम बराबर बराबर ले रहे थे, अगर आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, शिमला मिर्च बहुत ही फायदा करता है वेट लॉस में। तो पात गोभी को भी हम काट देंगे छोटे छोटे टुकड़े में। तो अब हम चुकंदर को काटेंगे दोस्तों, चुकंदर में तो बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, हम छिलके उतार लेते हैं, छिलके इसका थोड़ा सा मोटा रहता है, टाइट रहता है, तो चुकंदर भी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, इसे भी आप लोग ज़रूर रेट कीजिएगा। तो चुकंदर को कटर में काटेंगे, थोड़ा सा टाइट रहता है, बहुत अच्छे से कट जाएगा इसमें। तो अब हम टमाटर को काटेंगे, तो सभी सब्जियां दोस्तों अच्छे से हमने धो लिया है तभी काट रहे हैं। तो देखिए सातों प्रकार दोस्तों हमने काट लिया है, देखिए प्याज काटा है लास्ट में, इसमें चुकंदर लगा हुआ था इसलिए लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। तो दो तरीके से दोस्तों मैंने वजन अपना कम किया है, दोनों तरीके आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए पहले इसे तड़का लगा देते हैं, उसके बाद हम दूसरा रेट बताएंगे। तो ये सलाद का दोस्तों हम जो बनाते थे सब्जी, तो इसमें थोड़ा सा देसी घी से तड़का लगाते थे, देखिए एक चम्मच से कम है। तो इसमें जीरा डाल देते हैं, तो जीरा डालने के बाद दोस्तों ये देखिए मिर्चा डाल देते हैं, मिर्चा आप लोग स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम गाजर को डालेंगे, गाजर थोड़ा सा टाइट रहता है जिसे हम डालते हैं। तो गाजर को हल्का सा पकने के बाद देखिए सारे सबको साथ में हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा बना रहे हैं तभी आप लोग बताएंगे कितना खाना है। तो चलिए अब अच्छे से मिला देते हैं इसे। तो आज को हमें धीमी रखना है, जलाना नहीं है। सलाद में दोस्तों सब्जी हम बनाते थे, तो इसमें देखिए सफ़ेद चने को भी थोड़ा सा देखिए इतना सा भिगो कर, और तब उसे जब बनाते थे इसमें डालते थे, हमने भिगोया नहीं है इसलिए हमने इसमें नहीं डाला हुआ है, तो तुरंत मुझे बनाना था इसे नहीं भिगोया। तो चलिए इसे मिला देंगे और इसे ढक देंगे। इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक दोस्तों इतना ही डालना है आप लोगों को जितना आप लोग मतलब एकदम हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नमक कम खाना है। देखिए हल्का सा हमने नमक डाला हुआ है, अब इसे मिला देते हैं। तो दूसरा कमेंट दोस्तों है, सूरज ने कमेंट किया हुआ है, मेरी मम आपकी बहुत बड़ी फैन है और आप बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ठीक है सूरज जी, आपने मम्मी को आप हमारा नमस्ते बोलना, आप उनको पसंद आता है तो उनके लिए थैंक यू। तो ये जवाक दोस्तों पिसान है, उसी का हम रोटी खाते थे, तो ये कोचक हमने इसे बनाएंगे, आप लोग दिखाएँ कैसे बनाते हैं, देखिए ये ले लिया है। तो हल्का सा कुनकुना पानी से दोस्तों इसे गूदेंगे तो बहुत अच्छे से गूदाता है और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए इतना बड़ा कोचा हम बनाते थे अपने लिए जवा का, देखिए पलट देंगे हम। तो सलाद का दोस्तों सब्जी हमारा बन गया है, इसे हम सब्जी ही बोलते थे। चलिए चेक करके बताते हैं कितना आप लोगों को पकाना है। तो इसे हाथ से दोस्तों दबाएंगे, गाजर हो और या तो देखिए दबाएंगे, इसमें पानी जैसा निकलेगा, पानी दोस्तों निकलना चाहिए, ज़्यादा अगर पका देंगे तो पानी जो है ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा, फायदा भी नहीं करेगा। तो चलिए इतना ही हम पकाते थे। दूसरी सब्जी दोस्तों हम बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हम खाते थे इसको, इसको ज़्यादा कुछ जुटाना नहीं रहता होगा। देखिए थोड़ा सा हमने डाल दिया है देसी घी और ये जीरा, जीरा हम सब में तड़का मारते थे, और देखिए अदरक और मिर्चा ये भी। तो टमाटर और पालक का दोस्तों हम सब्जी बनाते थे, देखिए बहुत ही कम हमने घी डाला हुआ है, अब उसमें टमाटर डाल देते थे और उसके बाद ढेर सारा पालक, तो पकने के बाद बहुत कम हो जाता है इसलिए ढेर सारा डालेंगे इसमें। तो हल्का सा पानी डालकर इसे हम ढक देंगे।
गल चुका है, इसमें हम नमक और हल्दी को डाल देते हैं और नमक इन्हें बहुत ही थोड़ा सा डालना है, बस जितना ही जितना हम खा सकें। और हम इसमें हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और स्वाद भी देता है। तो तीन प्रकार का आप लोगों को जूस बनाकर बताएंगे दोस्तों। अगर ये तीन प्रकार के दोस्तों आप लोग दिन भर में अगर जूस पियेंगे तो एक एक दिन में हमारा एक किलो 800 ग्राम कम होता था, तो वही हम बता रहे हैं। देखिए पालक हमने पीस कर अच्छे से चाल लिया है, देखिए एकदम पतला है, आधा किलो हमने पालक को पीसा हुआ है। तो मिक्सर में दोस्तों हम जूस बनाते थे और अच्छे से इसको हम छान लेते थे, तो इसे भी छोटे छोटे चकुंदर को भी काटेंगे हम। तो चकुंदर में दोस्तों आधा हम सेम मिलाएंगे जिसे इसका स्वाद जो है अच्छा लगे, मिलाकर तभी खाते थे पीते थे। और एक टाइम दोस्तों मैं जो चाहता जो हमारे पास रहता था वही हम मिलाकर बना लेते थे जूस। देखिए गाजर और ये देखिए सेब और ये खीरा है, तो इसे सब मिलाकर हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सारा सामान हमने रख दिया, यहीं से आप लोगों को शुरू से लास्ट तक हम बताएंगे क्या क्या खाते थे और क्या क्या करते थे। चलिए पहले आप लोग कमेंट बता देते हैं। सामने रियल ब्लॉग ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है, कभी हमारा भी नाम ले मुझे भी खुशी होगी। तो ठीक है दीदी, आप लोगों को हम नाम ले लेंगे बारी बारी से और बताएंगे तब क्या आप लोगों को, बस आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो क्लास लास्ट तक देखा कीजिएगा। तो हमारे तरीके से दोस्तों आप लोगों जैसे हमने वेट लॉस किया हुआ है, अगर आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों का 18 दिन में 8 किलो वजन कम होगा और आप लोगों की सेहत भी बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों का जो ताकत अच्छे से बनी रहेगी। तो पहले दोस्तों मैं सोने का नियम बनाई हुई थी कि 9 बजे मैं सो जाती थी, उसके बाद 4 बजे सुबह उठ जाती थी और उठने के बाद दोस्तों आधा गिलास एक गिलास थोड़ी गिलास पानी पीते थे, उसके बाद 1 घंटा मैं रनिंग करती थी, दौड़ती थी 1 घंटा लगातार, आ तो 45 मिनट 40 मिनट जितना मुझे समय रहता था, आधा घंटा से ऊपर ही। तो कुनकुना पानी करके दोस्तों एक नींबू डालती थी और इसके वहाँ पी लेती थी, सिलो सिलो पीती थी, एक बैग नहीं बटाक्स नहीं पीती थी सिलो सिलो से। और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती थी, बनाते बनाते और 5 बादाम 6 बादाम मैं भिगो कर रखती थी, उसके छिलके उतार कर उसके बाद वो खाती थी। और खाना बनाते बनाते दोस्तों 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता था, तब तब एक गिलास भर के मैं दोबारा पानी पी लेती थी। खाना खाने के मतलब 9 बजे मैं खाना खाती थी, 9 बजे 9:30 बजे उसके अंदर मैं दोस्तों पानी पी लेती थी और खाना भी अच्छे से बनाकर उसके बाद मैं ये देखिए तब जब ये सब्जी दोस्तों अब सलाद वाला आप लोग खाएंगे ना आप लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके साथ देखिए ये कोचा और इसके साथ जब मैं खाती थी ना तो सलाद बहुत कम लेती थी और ये वाला खा लेती थी। और ये सब्जी दोस्तों ये देखिए ये वाली सब्जी जब मैं खाती थी तो इतना ढेर सारा सलाद लेती थी और ये कोचा इतना, ये दोनों सब्जी साथ में नहीं खाती थी, जब ये खाती थी तो ये वाला रहता था और ये खाती थी तो इतना रहता था। इसके साथ थोड़ा सी दाल भी रहता था हमारा, दाल आप दाल दाल में छोटा छोटा टुकड़ा ये डाल देते थे और ये खा लेते थे। और ये देखिए कम से कम 32 बार चबा चबा कर हम खाते थे, बहुत ही आराम से आधे घंटे तक लगाकर लगातार मतलब चबा चबा कर तभी खाते थे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, आधा घंटा समय लगता था हमें खाने में। तो दोपहर में दोस्तों हम थोड़ा सा पनीर दोस्तों 2 पाव को लेते थे दूध और उसमें नींबू डालकर तो पनीर बना लेते थे, तो वही जब मन करता था तो हमारा खा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके और पानी ढेर ढेर सारा पीते थे। कुल मिलाकर 3.5 लीटर से ऊपर हमारा पानी होता था दिन में। तो 5 बजे के बाद दोस्तों हम खाना बिल्कुल नहीं खाते थे, अगर कभी काल भूख लग जाता था तो सेब खा लेते थे या तो थोड़ा सा दूध पी लेते थे और या तो सलाद खा लेते थे, बस उतना खाकर बस उसके बाद पानी वाली पी लेते थे, तुरंत पानी नहीं पीते थे, बाद में पीते थे, आधे घंटे के बाद पीते थे। तो यही दोस्तों इतना जब ये वाला जो हमने जवाक रोटी भर खाते थे तो हमारा वजन बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, तो इंचेस जो है थोड़ा सा कम हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही थी मैं पतली नहीं हो रही हूँ वजन कम हो रहा, पतली नहीं हो रही वजन कम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगी। तो दूसरा दोस्तों मैं वेट लॉस जब की दूसरा तरीक़ा से, देखिए सविकर भरत जी हैं दोस्तों, इनका ये चैनल है, तो इसी चैनल से दोस्तों मैं अपने तरीके इनके तरीके से वेट लॉस शुरू किया। तो दोस्तों जो मैं कर रही थी जो मतलब मीठा जो है बिल्कुल नहीं हमने खाया हुआ है, मीठा मतलब चीनी बिल्कुल नहीं खाया हुआ है और जो नींबू पानी पीती थी वो पीती थी मैं, जैसे यही सब था। और मैं जब ये जवा की रोटी नहीं खा रही थी तो रोटी खा लेती थी और 32 बार चबा चबा के खाया और सलाद भी खाया। तो ये भैया जी दोस्तों कहते हैं कि चाहे जो खाओ वेट लॉस होगा, तो हमने रिक्स नहीं लिया, मैंने बहुत कुछ मतलब ये सब नहीं खाया जो बाहर सामान बिल्कुल नहीं खाया हुआ है, मीठा भी नहीं खाया हुआ है और रोटी खाया हुआ, एक रोटी खाया हुआ आधा घंटा में और 32 बार चबा चबा कर और सलाद ज़्यादा खाया हुआ है, पानी ज़्यादा पिया हुआ है, जैसे इतना दोस्तों पानी पिए जिससे सुबह एकदम अच्छे से पेट आपको साफ़ हो जाए। और देखिए हफ्ते में एक बार ये देखिए जूस उन्होंने बताया हुआ था तो हमारे खा लिया। देखिए सुबह सुबह दोस्तों जैसे आज हल्का खाना खाया सुबह सुबह, जैसे जैसे दोस्तों 5 बजे के बाद मैंने खाना कुछ नहीं खाया बस पानी पिया है, उसके बाद सुबह
नींबू पानी दोस्तों पीने के बाद जैसे 1.5 लीटर सुबह पानी पी लेती थी 9 बजे या 9:30 बजे, ये देखिए चुकंदर और हल्का सा सेब डालकर इसको मैं पी लेती थी। ये देखिए 1 पाव से ज़्यादा है, कम से कम 2 पाव तक ये दूध रखा है चुकंदर। तो इसको चुकंदर सुबह दोस्तों 9:30 बजे या 10 बजे के अंदर इसको पी लेती थी। और ये वाला जो है जूस, इसमें दोस्तों दोपहर जो होता था 1 बजे इसको मैं पीती थी। इसमें जो है बदल बदल के मैं पीती थी, इसमें देखिए पालक थोड़ा सा मिला देती थी तो सब मिक्स करके जूस बनाती थी, वो वाला पी लेती थी। और शाम को ये देखिए 1/2 किलो पालक मैं पीस कर और 5 बजे इसको पी लेती थी। उस दिन मतलब खाना कुछ भी नहीं खाना है, बस यही खा रहे। जब मैंने इसे दोस्तों हफ्ते में 1 बार किया ना तो 1 किलो 800 ग्राम हमारा कम हुआ। वो बता रहे थे 1 किलो से ज़्यादा 2 किलो लगभग वजन कम होगा। ये सही बात है दोस्तों, एकदम अच्छा से 1 किलो 800 ग्राम हमारा वजन कम हुआ था इसको पीने से। हफ्ते में 1 बार आप लोग करना है, ये बहुत ही आसान है। कुछ भी नहीं खाना है, बस जूस पी के रहना, इसे छान कर पीना है। बहुत ही दोस्तों आप लोग बहुत ही हल्का हल्का लगेगा और एकदम बहुत ही अच्छा से। आप जिस दिन घर पे रहें और कोई काम ऐसा ना हो, ऐसे यही ज़रूर पी लीजिएगा आप लोग हफ्ते में 1 बार। तो लाइव जर्नी दोस्तों कमेंट किया हुआ है उषा दीदी, आप हमेशा सरसों के तेल में क्यों खाना बनाती है? तो गाँव में दोस्तों हमेशा, मतलब जब से मैं जानने लायक हुई हूँ, हमेशा सरसों के तेल में ही खाना बनता है हम सब में, तो वैसे ही हम बनाते हैं। तो यही दोस्तों खाती थी मैं दाल सुबह या तो फिर 5 बजे, दिन में 1 बार जरूर दाल लेती थी या तो दोनों टाइम ले लेती थी। तो चलिए अब फिर से आप लोग बता देते थे कि दिन में बता देते हैं कि आप लोग क्या क्या करिएगा। सुबह दोस्तों उठिएगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा ताकत बन जाएगा, जिसके बाद आप लोग 1/2 घंटे से ऊपर ही 1 घंटे के लगभग आप लोग मतलब दौड़िएगा तो डोलिएगा तेजी से। तो 1 घंटा दोस्तों मैं डोल कर आती थी, तो उसके बाद बैठती थी, देखिए कुनकुना पानी करके 1 नींबू डालकर मैं उसको सिलो सिलो से पी लेती थी। और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती थी, और उसके बाद 5-6-7 बादाम, 10 बादाम के अंदर ही बादाम मैं सुबह शाम को भिगो देती थी, सुबह छिलका निकाल के वो भी सिलो सिलो से वो भी खा लेती, खाना बनाती रहती थी, 1-1 बादाम डाल खाती रहती थी। उसके बाद 9 बजे के बाद मैं खाना खाती थी, फिर बाद 5 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना था, 2 बार दिन में खाना खाती थी, तो 9 बजे 10 बजे के बीच में और 5 बजे और 6 बजे के बीच में, मतलब 5 बजे 5:30 बजे के बाद मैंने कभी नहीं खाया है। वो जो खाया था हल्का सा सेब या तो खाया है, या तो वो ये देखिए सलाद, या तो हल्का सा पनीर, यही सब खा लेती थी बस। तो कभी कभी दोस्तों मैं बाजार जाती थी तो मुझे दोपहर का खाना जो है कुछ भी नहीं मिलता था, तो मैं बाजार में क्या करती थी, सेब छिलवा कर एक वहाँ सिलो सिलो से मतलब खाती रहती थी, अपना काम करती रहती थी, या तो फिर पनीर ले लेती थी वो खाती थी, या तो फिर दाना भुजवा कर रोल खा लेती थी। एक 3 चीज़ हम मार्केट में खाए हैं वेट लॉस में, तो हमारा दोस्तों 16 किलो से ज़्यादा वजन कम, तो 74 किलो दोस्तों शुरू हमारा वजन था, और यह इस समय 59 किलो है वजन, और 59 किलो आप सब लोग कर रहे हैं, रहने दो, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, इसी में रहने दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 60 के अंदर ही मुझे रहना है। तो बहुत दोस्तों कमेंट कर रहे हैं कि वो हमें भी वजन कम करना है, हमें भी वजन कम करना है। तो अपने गांव में दोस्तों बहुत लोग को हमने बताया हुआ है कि वजन कैसे करना, बहुत लोग कम के लिए कम मतलब कर चुके हैं या तो कर रहे हैं, मतलब सभी लोग कर रहे हैं अभी, उनका 3 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसे वजन कम हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें, आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल लालच मत कीजिएगा, किसी चीज़ का लालच मत कीजिएगा, मीठा छोड़ना एकदम छोड़ दीजिए, और जो खाना है दोस्तों सोच समझ कर खाना, कर ज़्यादा खा लेंगे ना तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल पसीना बहाना लगे पड़ेगा आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा, और इसे कुछ भी नहीं खाना है फालतू चीज़ आप लोगों को। हम मैं कोई चीज़ को दोस्तों लालच नहीं करती, बस मुझे पेट भरना होता है, चाहे पानी से भरूँ, चाहे सलाद से भरूँ, चाहे दाल से भरूँ, चाहे देखिए जवाक रोटी में बना कर खा लेती हूँ, उसे पेट भरने से मतलब पेट भर लेती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ बहुत ये सब खा कर। अब आप लोग कोई भी कुछ भी मतलब खाएं तो खुश रहें उतना खाकर, जिससे जाने की हमारा अच्छे से। तो पहले दोस्तों मुझे क्या क्या परेशानी होती थी चलिए आप लोग बता देते हैं। जैसे मैं सीढ़ी चलती दोस्तों बहुत ज़्यादा थकाई होती थी, और मुझे बिना हाथ रखे मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, और बहुत ज़्यादा मतलब आलस लगता था, मैं बैठ जाती थी, मुझे कोई होता कोई भी हमारे जगह पर रख दे, मैं जब बैठे बैठे कोई काम कर लूँ, मुझे उठना बैठना बहुत ज़्यादा वो लगता था, पर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे आसानी होती है, मुझे दौड़ना घूमना, और जब भी दोस्तों 200 बार में जब भी 1 बार में कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है। और दोस्तों हानि मुझे क्या हुआ है, मुझे बाल जो है मेरा झड़ गया है, पता नहीं कहाँ से कैसे झड़ गया, अब आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कहाँ से मुझे मैंने कमी किया, क्या कमी किया। तो दोस्तों जो जो चैनल आप लोगों को बताया है, उन्होंने ग्रीन टी एक बताते थे, मुझे ग्रीन टी दोस्तों मुझे समझ नहीं आता क्या पीऊँ कैसे पीऊँ, मुझे ग्रीन टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे मन तो मुझे बहुत कर रहा था कि मैं ग्रीन टी पीऊँ,
क्योंकि दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रही थी तो मैंने नहीं पिया। अगर आप लोगों को कोई गारंटी, अगर आप लोगों को कोई बताने वाला हो, समझाने वाला हो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग पी लीजिएगा शाम को। तो मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, जवाब देंगे वहाँ पे, आप लोग पूछेंगे जितना आप लोगों जैसे आप लोगों को हेल्प हो सके।